सर आखिरी दो मिनट है, थोड़ा पर्सनल आपसे, क्योंकि जनता जानना चाहती है मल्लिकार्जुन खड़गे है कौन, और आपकी कहानी बहुत यू नो, जब मैंने सुनी आपकी कहानी, योर मदर डाइड एट द एज ऑफ 6, आप बहुत यंग थे, आपको बीदर से जाना पड़ा, गुलबर्गा जाना पड़ा, आप मिल वर्कर में, आप मिल में आपके फादर काम करते थे, आप उसी मिल में यूनियन लीडर बन गए, तो जो आपने कहा आप गरीब से गरीब एक तरह से हैं, आपने स्कूल में मैंने सुना बड़े अच्छे कबड्डी प्लेयर थे और हॉकी प्लेयर थे, और मैं आज भी देख रहा था जब आप आने के पहले फुटबॉल की मैच देख रहे थे, तो वर्ल्ड कप चल रहा है, आप बड़े स्पोर्ट्स के शौकीन है मैंने सुना है, कबड्डी अच्छा खेलते थे, हॉकी या फुटबॉल? नहीं, मैं तो हॉकी अच्छा खेलता था, मैं लेफ्ट इन राइट इन मेरे को इंटरेस्ट था, लेकिन हमारे टीचरों ने मेरे को लेफ्ट इन में डाला, तो क्योंकि वो कमजोर होता है मारने, आप राइट से लेफ्ट हो गए आजकल no, राइट का जमाना चल रहा है। नहीं नहीं, वो तुम्हारा पॉलिटिकल ही है, लेकिन खेल में जो राइट इन लेफ्ट इन सेंटर ऐसा रहता ना, उसमें मेरे को लेफ्ट इन का चांस दिया जाता था, लेकिन इंटरेस्टेड मैं राइट इन में था। और कबड्डी की तो, भी अब कबड्डी बिकॉज़ योर आपकी बिल्ड जो है कबड्डी प्लेयर की है। नहीं नहीं, नहीं बड़े धुरंधर खिलाड़ी थे आप। मैं दुबला था वो बात और है, लेकिन मैं दुबले में भी बड़ी शक्ति होती है, मोटे में कम शक्ति होती है, ऐसा बल्कि नहीं बोल रहा हूँ मैं जो आदमी दुबला रहता है उसमें बहुत शक्ति रहती, लेकिन जब एज होता है तो ये शरीर आप देख रहे हैं, पहले का अगर आप देखेंगे तो और है, ठीक है, लेकिन मेरी मैंने एक हादसा, बहुत बड़ा हादसा हमारे हैदराबाद कर्नाटक में हुआ, आपको आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 में, मुझे आज़ादी मिली 17 सितंबर 1948 में, हम आज़ाद हो गए, हमारे हैदराबाद कर्नाटक के एरिया, जब वल्लभ भाई पटेल जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मिलके वहाँ पर एक पुलिस एक्शन, उन्होंने कहा मिलिट्री एक्शन बोलो, जनरल जयंत चौधरी थे तो उनको भेज के वहाँ पर किया, तो उस वक्त हमको आपसे भी 13 महीने के बाद आज़ादी मिली हमको, लेकिन उससे पहले बहुत दंगे वहाँ पर हो गए, उसमें मेरा हमारा घर जल गया, जिसमें मेरे फैमिली के, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे चाचा, मेरे भाई, सभी लोग उसमें मर गए, तो मैं कहीं झाड़ के नीचे खेल रहा था और हमारे पिताजी खेत में कुछ वो काम पे थे, तो तब ये आग लगी तो 2-3 घर को और हमारे बाजू के गांवों में भी 1000 उसमें कम से सैकड़ों लोग मर गए थे, वो बात और है, लेकिन उसमें जल के मरने के बाद मेरे पिताजी, उस वक्त गड़बड़ हो रही थी एक्शन, तब मुझे बचाने के लिए उन्होंने रास्ता ढूंढा, हर रिश्तेदार के पास गए तो कोई भी हमें स्वीकार करने को तैयार नहीं, नहीं नहीं गड़बड़ हो रहा, तुम उस गांव से आए हो जिस जगह घर जले हैं वो, तो ऐसा भटकते भटकते फिर आखिरी में खड़की में हमारे चाचा थे जो महार रेजिमेंट में थे, तो उनके पास जाना, तब वो वहाँ पर भी ये मुश्किल हो गई कि हम तो बीदर ट्रेन से निकले, जहाँ पहुँचे तो वहाँ खड़की में इंक्वायरी की, तो बोले कि आपके जो चाचा थे यहाँ से, नहीं मुझे नहीं, तो हमारे आपके जो भाई थे वो तो चले गए हैं, लेकिन कहाँ चले गए वो रजिस्टर में उन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि वो जब 15 अगस्त 1947 में जब आज़ाद होने के बाद वॉलेंट्री रिटायरमेंट दे दी थी, तो उसमें उन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेकर गुलबर्गा है, हम उनको ढूंढते वहाँ गए, वहाँ पर पता नहीं लगा उनका, फिर जैसा गए फिर वैसा ही दूसरे ट्रेन से गुलबर्गा आए, तब उनकी मुलाकात हो गई, फिर हमारे पिताजी मिल में उनको जॉब मिला, हम पिताजी और मैं दो ही रहते थे घर में, बहुत दिन ऐसे ही काटे, काटने के बाद स्कूल में गए पढ़े, थोड़ा सा अच्छे स्कूल में जाने की भी कोशिश किए, लेकिन उस वक्त इतने अच्छे नहीं थे जितना
जिसका लाभ आप लोगों को मिला उसका लाभ मुझे नहीं मिला उस वक्त, लेकिन कोशिश कर करके यहाँ तक पहुँचा।